चलो ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो वी वर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो उसमें हम लोगों ने फ्लूइड्स का पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे विस्कस फ्लूइड, और उसके बाद हम चलेंगे थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के ऊपर। ओके, देयर इज अक्षित एज यूजुअल आस्किंग की with a good morning message, good morning from Shivam Karthik, Akshit also, ki school band nahi ho gaya kya? Abhi tak to nahi hua, baki dekho kya hota hai, matlab students ke liye to khair off declare kiya gaya, as you know already messages bhi aaya tha, but right now to teachers are taking from school only, theek hai na, to thoda sa is saal ka agar main summarize karu, to initially to school to school tha, मतलब स्कूल के चीजें स्कूल में हो रहा था, फिर सीधे पहुंच गया होम टू होम, मतलब टीचर्स अपने होम पे, स्टूडेंट्स अपने होम पे, तो होम टू होम डिलीवर। फिर बाद में स्कूल टू होम हो गया, एक्सेप्ट फॉर टू फ्यू स्टूडेंट्स दोज आर कमिंग इन, तो स्कूल टू होम हो गया, अब बैक टू होम, नहीं अभी तो फिलहाल ये चल रहा है स्कूल टू होम चल रहा है, बट यू नेवर नो इट माइट गो बैक टू होम टू होम डिलीवरी, हु नोस, जैसे समय चल रहा है एनीथिंग कैन हैपन, है ना। चलो एनीवे, तो वी विल क्विकली डिस्कस अ लिटिल अबाउट विस्कोसिटी अभी, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, दो तीन सिस्टम्स। नंबर वन, बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड में अगर मान लो विस्कस ड्रैग होता है, if suppose area is A, in that case होता है F is equal to minus eta A dV upon dr, ठीक है ना। ये था velocity gradient, ठीक है। तो एक question मैं revision के लिए जरूर देना चाहूंगा, and that is here. सत्यम इज आस्क्ड कि क्या नॉन आइडियल फ्लूइड एडवांस में है या सिर्फ मेंस में। नहीं नहीं, नॉन आइडियल फ्लूइड तो जरूर नहीं है, इन द सेंस कि विस्कस फ्लूइड तो है, ठीक है, मेंस में तो है ही, बट एडवांस में भी है। तो ईटा एफ इज इक्वल टू ईटा माइनस ईटा ए इनटू डीवी डीआर, ठीक है। तो ऑब्वियसली डीवी डीआर इज व्हाट ना, द वेलोसिटी ग्रेडियंट, फाइन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने क्वेश्चन एक करा था, अगर याद करके देखो, डिस्क अगर घूमता है मान, है ना, और मान लो एक फ्लैट सरफेस के इसके एरिया पे एक सपोज सिलेंडर है जिसका हाइट h है, एक सिलेंडर है इसका हाइट h है, और तुमको इसको डिस्क को घुमाना है ओमेगा से उसका टॉर्क, तो यू फाइंड आउट दी टॉर्क। और एक और क्वेश्चन मैं रिवाइज कराऊंगा, ये रिवीजन ही है इसको, एंड दैट इज कि सपोज एक बड़े सिलेंडर के अंदर जिसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, या आर वन मान लो, और उसके अंदर एक वेरी लॉन्ग सिलेंडर, एल इज वेरी लॉन्ग, तो वेरी लॉन्ग सिलेंडर है, और उसके अंदर एक और सिलेंडर है जिसका सपोज रेडियस है आर टू, ये एक काम करो अंदर वाले का आर वन लिख दो और बाहर वाले का आर टू लिख दो, ठीक है ना। और तुमको फाइंड आउट करना है कि कितना टॉर्क चाहिए, सो क्वेश्चन इज कितना टॉर्क चाहिए इस अंदर वाले सिलेंडर को घुमाने के लिए। ये अंदर वाला सिलेंडर से बहुत बड़ा सा है, ठीक है, इस अंदर वाले सिलेंडर को ओमेगा से घुमाना है, तो यू टू फाइंड आउट टाउ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली अंदर लिक्विड है, इसके बीच के सेक्शन में लिक्विड है, ठीक है, इसके बीच के सेक्शन में लिक्विड है, और अंदर वाले सिलेंडर है जिसका रेडियस आर वन, और बाहर वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस आर टू, बाहर वाला स्टैटिक है, ठीक है, बाहर वाला स्टैटिक सिलेंडर है, अंदर वाला घुमाया जा रहा है ओमेगा से, अंदर वाले यानी सिर्फ इस अंदर वाले सिलेंडर को मैं घुमाया जा रहा है ओमेगा से, तो उसके लिए टॉर्क क्या चाहिए, ठीक है। शिवम में लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज हमारे जो पहले वाले बैच थे उनके एडमिशन का क्या स्टेटस है। Okay, let me give you the variety of status.
प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के क्लासेस लास्ट मंथ यानी अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, एकदम बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, ठीक है ना। और आईआईटीज का क्लास इस मंथ स्टार्ट हुआ यानी नवंबर, और एनआईटीज का भी इस मंथ क्लास स्टार्ट हुआ, बट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मेडिकल का तो अभी काउंसलिंग ही खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देयरफॉर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द स्टेटस। मेडिकल का भी फर्स्ट काउंसलिंग हुआ है, अभी सेकेंड काउंसलिंग का तैयारी चल रहा है, मतलब ये भी स्टार्ट होगा। आई थिंक दैट वुड आल्सो एंड अराउंड 10th दिसंबर के आसपास। फिर एक मॉप अप राउंड आता है, जब सारे कॉलेजेस के एडमिशन हो जाता है ना, तो कुछ सीट्स कोई नहीं लेता है या लास्ट मोमेंट में मना कर देता है, समथिंग लाइक दैट, या फीस नहीं जमा कर पाता है ड्यू टू व्हाटएवर रीजन। आई मीन कई बार फाइनेंशियल भी तो चक्कर है ना, क्योंकि मेडिकल में तो कई जगह फीस भी है 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, है ना, 70 लाख, ऐसे फीस है। प्राइवेट की बात है, गवर्नमेंट में तो ऑफकोर्स वही लाख को हजार में कर दो तो ना, प्राइवेट में 70 लाख और गवर्नमेंट में 70 हजार, मैं 5 साल की फीस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे भी हिसाब है मतलब। तो देयरफॉर इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस सिचुएशन। तो मेडिकल का तो काउंसलिंग एंड होते होते दिसंबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक लास्ट राउंड में मॉप अप राउंड आता है। मॉप अप राउंड मतलब कॉलेज में कहीं 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 एक एक दो दो तीन तीन सीट्स रह जाते हैं, तो उसके लिए भी एक और राउंड होगा, दैट इज द मॉप अप राउंड। तो वो होते होते दिसंबर एंड हो जाएगा, उसके बाद शायद जनवरी से या मे बी दिसंबर एंड से कुछ क्लासेस वैसे स्टार्ट होगा था, इवन आई दैट आल्सो वेरी अनश्योर, यू डोंट नो। दैट्स राइट, इस बार तो इनफैक्ट मेडिकल कॉलेजेस के फीस बढ़ा भी दिया कई जगह। कर्नाटक में सेमी गवर्नमेंट कहते हैं उसको, प्राइवेट इंजीनियरिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट की कुछ सीट्स रिजर्व है, उसमें फीस हुआ करता था 8 लाख पर ईयर, माइंड यू ये पूरा नहीं, 8 लाख पर ईयर, मतलब 8.5 लाख पर ईयर प्लस हॉस्टल वॉस्टल मिला के 10 के आसपास पड़ जाता था। अब उन्होंने भी फीस बढ़ा के 12-13 कर दिया, यानी 12-13 मतलब 13 × 5 65, यानी 65 लाख तो हो गया फीस, और 10-15 लाख लगा लो बाकी खर्चे, हॉस्टल, रहना, खाना, किताबें और भी तमाम खर्चे, आना जाना, दूर दूर के कॉलेजेस हैं कर्नाटक, मतलब फ्लाइट पे जाना आना, मतलब पूरे मिला जुला के 65-70-80 लाख के खर्चा बिफोर यू बिकम अ डॉक्टर। तो दैट वे यू ऑल आर प्रीटी लकी, क्योंकि तुम लोग का फीस कम है, और तुम लोग का तो ज्यादातर जो है यू नो आईआईटीज या एनआईटीज में तो फीस बहुत ही कम है, सो लकी दैट वे। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। पहले इसका एक आंसर आ चुका है और ध्रुव ने दिया है, पाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर 4 बाय 2h। कहीं कुछ जल्दबाजी में आंसर तो नहीं दिया, आई डोंट नो, जस्ट गेसिंग है। चलो देखते हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हर जगह अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं इसको देखता हूं तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बड़ा डिस्क है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्मॉलर डिस्टेंस दो एक वो लिखता हूं, तो यहां पे अगर वेलोसिटी देखते हो तो क्या होगा, ओमेगा स्मॉल आर, मान लो ये स्मॉल आर, और क्योंकि हाइट एच है ना, हाइट एच है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडिएंट कितना होगा, ओमेगा आर बाय एच, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडिएंट डीवीडीआर इनटू एरिया। एरिया क्या होगा ना, मैं इसमें पूरे को एरिया ले सकता हूँ, क्योंकि हमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेडिएंट करके टॉर्क बनेगा, टेंजेंशियल फोर्स तो मैं इकट्ठे समेट सकता हूँ, तो हो गया 2πr dr, ये हो गया एरिया इनटू ईटा, ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स लेके इनटू आर, ये हो गया टॉर्क। तो ईटा ए डीवीडी आर, ठीक है, सो दैट इज द फोर्स, इनटू स्मॉल आर कर दिया तो टॉर्क आया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके R तक, तो टॉर्क आएगा। तो इसमें क्या है ना, स्मॉल आर अक्षित दास के बाई एच क्यों किया, वो एक्चुअली पता क्या है, देखो थोड़ा सा इसको समझो, ये जो नीचे का सिलेंडर है ना, मैंने बोला ना कि नीचे का सिलेंडर जो है रेस्ट पे, ऊपर एक डिस्क घूम रहा है, तो जो नीचे का सिलेंडर है उसके तो लिक्विड रेस्ट पे रहेगा, और ऊपर जो डिस्क है उसके वेरिएबल होगा तो ओमेगा स्मॉल आर, तो ऊपर ओमेगा स्मॉल आर नीचे जीरो, तो ये और हाइट एच है, हाइट एच, हाइट डेप्थ जो भी कह लो, तो यानी वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन एच, तो वेलोसिटी ओमेगा स्मॉल आर अपॉन एच,
दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये जो डीवीडीआर लिखा है ना वो वेलोसिटी ग्रेडियंट इस केस में ऐसे होगा. और ईटा ये और ये 2 पाई आर डीआर ठीक है इनटू आर. तो आर 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 तो आर क्यूब आर 4 बाय 4 और एक 2 कैंसिल हो गया तो यानी हो जाएगा इक्वल टू ईटा ओमेगा आर 4 पाई देन टाउ इज इक्वल टू पाई बाय बाय कितना एच ईटा ओमेगा आर 4 पाई बाय एच दैट्स इट बाय 2x टू दिया था तुमने पहले. हाँ ठीक है ध्रुव ने ही करेक्ट आंसर दिया. वेल सत्य में आज की वेलोसिटी ग्रेडियंट में स्ट्रेट लाइन जैसे क्यों लिया. एक्चुअली पता है क्या ना इसको कुछ अब इसको विजुलाइज कैसे किया जाए. हाँ इसको पता है कैसे विजुलाइज करो कि ये एक सिलेंडर है. सर अगर मैं एक पतला सा सिलेंडर लेता हूँ ना तो ये सिलेंडर और ये पूरा लिक्विड है. अब इसमें देखो ये वाला पॉइंट अगर इस पॉइंट को देखते हो इसके ठीक नीचे एक पॉइंट देखते हो ये वाला जो वेलोसिटी हुआ है ओमेगा इनटू स्मॉल और ये जीरो पे है तो एक लीनियर ग्रेडियंट यानी इसके नीचे ऐसे होगा उसके नीचे ऐसे होगा उसके नीचे ऐसे 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 तक होगा. तो इस तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट बनेगा उस लेयर के अक्रॉस ऊपर से लेकर नीचे तक. अब जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो हर एक आर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी अलग होगा तो उसके नीचे का जो प्रोफाइल बनेगा ना वो भी इसलिए अलग होगा. तो इसलिए देखो हर जगह ओमेगा आर अपॉन एच दैट विल बी द वेलोसिटी ग्रेडियंट. और वो जो पूरा सिलिंड्रिकल है ना स्टेडी स्टेट में मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ एकदम जब घुमाना शुरू करोगे ना तो देखना कुछ लिक्विड रेस्ट पे है कुछ लिक्विड डूबना शुरू होगा धीरे 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 बनते 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 चर्निंग होगा. चर्निंग होते होते फाइनली क्या होगा ना फाइनली देखना ओमेगा वेलोसिटी पे डिस्क के साथ वाला लिक्विड घूमेगा और उसके नीचे नीचे वाला लिक्विड उससे कम 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 करते करते जो सिलेंडर के बेस मैंने बोला ना सिलेंडर फिक्स है और डिस्क घूम रहा है अकेले ऊपर तो जो सिलेंडर के बेस में जो लिक्विड है वो सिलेंडर के कांटेक्ट में रेस्ट पे रहेगा. यही प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है याद करने देखो विस्कस प्रॉपर्टी. तो इसलिए ये आंसर आ गया ठीक है ना. चलो ठीक है अब इसका बताओ या और कोई क्वेश्चन हो तो ये बताओ. हाँ देखो ऐसा है ना देखो मैं बताता होता क्या ना कि जब कोई फ्लैट सरफेस होता है तो उसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है ना दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. और शायद अगर बहुत ज्यादा एच ले लोगे तो शायद अलग हो सकता है देन इट माइट बी मोर कॉम्प्लेक्स. बट अगर मान लो डेप्थ रीजनेबली स्मॉल लोगे तो इन दैट केस इवन इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज लाइक लेट्स से लिटिल कर्वेज तो वी कैन टेक दैट एज एप्रोक्सीमेटली व्हाट अ स्ट्रेट लाइन. इसलिए वो तो चलता है स्ट्रेट लाइन से तो चलेगा वो कोई दिक्कत नहीं ठीक है. अब इसका बताओ टॉर्क क्या लगेगा. I will also ask another question, and that is what will be the omega at some smaller distance? Yeah. I would also be interested not only in finding out the tau, but also omega at r distance. चलो लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर किसी एक लेयर को लेता हूं जो कि सपोज एट आर डिस्टेंस दूर मतलब इस तरीके से आर डिस्टेंस दूर कोई लेयर को लेता हूं इन दैट केस क्या होगा. अगर मैं एक छोटा सा थिन सेक्शन लेता हूं इन दैट केस क्या होगा. द ईटा
ए, ए क्या होगा 2 पाई आर एल. डीवी डी आर, तो यानी डीवी डी आर क्या होगा ना आर इंटू डी ओमेगा डी. क्यों? क्योंकि वी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है सर, डी ओमेगा डी आर. ठीक है, तो आई कैन से फॉर अ पर्टिकुलर वी एल डीपी बाई डी आर कैन बी रिटन एज आर इंटू डी ओमेगा डी आर. तो डी आर बेसिस पे जो डी ओमेगा चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं. ठीक है, और ईटा ए डिवीडेड इन टू आर, नो दैट इज द टॉर्क. ठीक है, ये चीज ठीक है. तो एक काम करो, ये तो क्या टाउ, तो एक काम करो डी आर को यहां पे लिखा, यानी टाउ इनटू डी आर बाय आर 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 क्यू इज इक्वल टू पाई ईटा एल इनटू डी ओमेगा, जो कि अंदर से ओमेगा से लेके जीरो तक, ये आएगा रिलेशनशिप. वैसे एक माइनस आना चाहिए तो चलो ठीक है ना. वेदांत इज आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडिएंट इन दिस केस. ना वेलोसिटी ग्रेडिएंट इस बार निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी पता नहीं तो वो मैं बाद में निकालूंगा, पहले ये तो करना है. तो ये मैं करूंगा ओमेगा से लेके जीरो तक, क्योंकि यहां का ओमेगा मुझे पता है, सॉरी यहां का मुझे पता है और ये जीरो, और ये हो जाएगा आर वन से लेके आर टू तक. ठीक है, तो वैसे माइनस भी होता है क्योंकि ये वेक्टर में माइनस भी होता है, बट चलो कोई नहीं पहले कर लेते हैं. यानी टाउ इनटू 1 बाय r टू द पावर माइनस 3, तो ये जगह r टू द पावर माइनस 2 बाय माइनस 2, तो बाय माइनस 2 का 2 रख लेता हूं और माइनस को अंदर करके 1 बाय r टू स्क्वायर माइनस 1 बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे तो इसमें माइनस आएगा लेकिन जब हम वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं ना तो एक्चुअली क्या होता है, f इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवीडीआर, तो उसमें भी एक माइनस है इसलिए वो माइनस को मैं डिस्काउंट कर रहा हूं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. इज इक्वल टू 2 पाई ईटा एल, कायदे से हमें माइनस ओमेगा होना चाहिए बट आई विल राइट इट एज ओमेगा. ठीक है, क्योंकि बाहर वाले का स्टैटिक है, तो बाहर वाला स्टैटिक है तो इसलिए इसका ओमेगा हो गया यहां पे 0, यहां का लिक्विड में कोई ओमेगा नहीं होगा. ठीक है ना, चलो सो दिस इज व्हाट इट इज. अब टाउ क्या होगा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी टाउ नाउ बिकम्स अ नोन क्वांटिटी एंड दैट इज 4 ईटा एल ओमेगा, 4 ईटा एल ओमेगा पाई. ठीक है, आर वन स्क्वायर आर स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर एक्चुअली अगर माइनस है तो इसको जो है ना आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर कर देना, नहीं तो फिर वो माइनस में दिक्कत आएगा. यानी आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, दिस इज द टॉप. ओके, अब जब टाउ आ गया अब मैं इसको किसी एक्सप्रेशन में पुट कर लूंगा तो डी ओमेगा डी आर आ गया. तो यानी इससे क्या हो गया ना डी ओमेगा डी आर is equal to this, then d omega, therefore d omega is equal to tau ko main tau hi likh raha hu, tau is now a known quantity, theek hai na, tau is now a known quantity, theek hai, is equal to in the meanwhile there is a question also from Shivamai, that is aapne l ko bahut long kyun liya. Actually pata hai l ke sath ek dikkat hai, pata hai kya, ki ye jo cylinder hai na ye bahar matlab jo outer cylinder hai na usse bahar hai इनर सिलेंडर और बड़ा है. जैसे सॉलिड के साथ लिक्विड स्टिक करता तो वो प्रॉब्लम एंड में भी आएंगे. क्यों? क्योंकि एंड में जो ये वाला फ्लैट पार्ट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिक्विड स्टिक करेगा. तो एक तरफ से हम कह रहे हैं कि लिक्विड घूम रहा है और एक तरफ से लिक्विड स्टिक कर रहा है,
तो उस एंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस सा होगा, क्योंकि एंड में दिक्कत क्या है कि जो आउटर सिलेंडर है उसमें भी लिक्विड रेस्ट पे है, और जो सिलेंडर के एंड्स है R1 और R2 रेडियस के बीच में जो फ्लैट पार्ट है, इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे, क्या होता है एक ही है, उसमें भी क्या है फ्लैट पोर्शन पे वो आउटर सिलेंडर स्टैटिक है, तब तो फिर लिक्विड यहां पे भी नहीं घूमेगा। तो यानी यहां पे एक एंड डिस्टर्बेंस होता है, एज इफेक्ट्स कहते हैं इसको। लेकिन अगर मान लो सिलेंडर बहुत बड़ा कर दोगे, इन दैट केस एज इफेक्ट का जो इफेक्ट होगा वो प्रोपोर्शनली उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, and therefore except for the small end parts of it, rest of the liquid will move in a very systematic manner, and that's how it will happen. Aur usi ke mathematics hum nikal sakte, general mathematics hum log is case mein nikal nahi sakte, theek hai na, that is the problem, theek hai, chalo. To dw is equal to kya ho gaya, tau, tau ko tau likh do kyunki tau ek known quantity ho gaya, tau into dr by r cube a y, तो tau into एक काम करो, ये जो 2 pi eta l वगैरह इसमें से कुछ कांस्टेंट में डाल दो, है ना, तो यानी tau और ये सब जाएगा, tau और सब कांस्टेंट है, तो मैं इसको कुछ k लगा दूंगा, k into integration dr by r cube r1 से लेके small, ये चीज आ गई। अब ये और साथ में माइनस साइन वगैरह, तो यानी है ना, यानी हम लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा आर, तो यानी ओमेगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू के इनटू है ना के बाय टू, या पूरा लिख ही लो, चलो क्यों इसको उसमें रखें, डार्क में रखें, है ना, तो by tau by 2 pi eta l, yeah, k chho tau by 2 pi eta l, tau by 2 pi eta l dr by r cube r1 se r, ye cheez hai, ha na, to omega minus omega r is equal to k by k vagar chho r cube ka 2 aayega, yani tau by 4 pi थीटा एल इनटू 1 बाय आर स्क्वायर माइनस, है ना, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1 बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा इक्वल टू आर1 स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, तो चलो कोई नहीं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, सो ओमेगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू टाउ बाय 2 पाई थीटा एल इनटू r1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर इनटू r स्क्वायर, दैट्स इट, यानी ओमेगा आ जाएगा ओमेगा माइनस r, दैट्स इट, तो यानी किसी भी रेडियस में अगर ओमेगा चाहिए तो वो कैलकुलेट होगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर रादर इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ये टाउ बाय 2 पाई ईटा एल, तो टाउ बाय 2 पाई ईटा एल करोगे तो बेसिकली इसमें से 2 पाई ईटा एल सब कैंसिल हो गया, डॉट तो लाइक वो सब अपने आप देख लेना, ठीक है ना, इनटू r1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय where tau is of course equal to this, ये expression आ गया, बाकी तो अपने आप देख लो, okay, now Rohan Veera says that is that जब अपने dvdr लिखा तो r को क्यों नहीं differentiate किया, मैं उस r पे omega का क्या change होगा वो calculate करना चाह रहा हूँ, so therefore for that r I am keeping the r fix, उस r पे omega का क्या change, तो यानी उस r पे omega का क्या change है, तो that's why I have kept the r fixed, ठीक है ना, ये चीज, सो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओमेगा चेंज, ठीक है ना, चलो, तो आई थिंक दैट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द
that gives us an idea about the omega at any radius. ऐसे एक और क्वेश्चन भी बनता है, ये जो सिलेंडर मैंने दिया ना, सब एक काम करो, इसी सेम क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं, इसी सेम क्वेश्चन में सपोज वही सिलेंडर है, वही R1 R2 एंड ऑल है ना, और अंदर वाला R1 और ये कुछ u वेलोसिटी से जा रहा है, अंदर वाला कुछ u वेलोसिटी से सपोज ले जा रहा है ऐसे कर, ठीक है, और ये R2 है और ये हो गया R1। तो क्वेश्चन इज उसके लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, यानी फाइंड आउट द फोर्स रिक्वायर्ड एंड द वेलोसिटी एट एनी रेडियस आर। देखो वेल अक्षित, तुम बोल रहे हो ओमेगा डी थीटा, थीटा मत लिखो ना फिर, थीटा तो कुछ है नहीं इसमें, थीटा तो इज द एंटायर सिलिंड्रिकल सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस हम ले रहे हैं ना ईटा ए, ए इज बेसिकली द एंटायर कर्व्ड सरफेस, वो चीज है। चलो स्टार्ट विद अबाउट ओमेगा, दिस क्वेश्चन इज ऑन फोर्स एंड ऑल्सो वेलोसिटी एट एनी रेडियस आर। सिमिलर क्वेश्चन चलो फटाफट निकालो, फोर्स निकालो, और इसमें भी ऑन सिमिलर लाइंस हम सोचेंगे कि वेलोसिटी अलग अलग रेडियस पे अलग अलग होगा एंड अकॉर्डिंगली कुछ हम डिजाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो, इसमें भी ऐसी कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट बनेगा अलग अलग रेडियस पे, तो मैं एक स्मॉल आर लेता हूं, यानी फोर्स कितना चाहिए मैंने ईटा ए इंटू डीवीडीआर, ठीक है, इंटू डीवीडीआर, ठीक है। अच्छा तो अब हम एक काम करते हैं, एफ इंटू डी आर बाई आर इज इक्वल टू 2 पाई ईटा एल डीवी वी टू जीरो, फिर वो माइनस साइन तो आना ही है, तो वो अपने आप देख लेना, यहां पे आर वन से लेके आर टू माइनस करना है, माइनस कर लो, ठीक है, तो हमें तो वैसे भी माइनस लेना नहीं, तो डीवी का तो वी आ जाएगा और ये हो जाएगा एल, तो यानी फाइनली आ जाएगा एफ एल एन आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू 2 पाई ईटा एल वी, ये की वैल्यू। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो लिक्विड है ना वो इस पॉइंट पे जो जा रहा है सपोज वी आर, तो अभी तो फिलहाल मैंने पूरे का कर लिया, तो यानी इससे क्या होगा ना एफ आ गया 2 पाई एल ईटा वी अपॉन एल एन आर टू बाई आर, ठीक है ना, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन एफ का। अब पता क्या है कि जब मैं किसी भी रेडियस में करूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ तो एफ ही है, तो उसको लिख लेता हूं मैं पहले 2 पाई ईटा एल वी by ln ये तो f आ गया, ठीक है, into dr by r r1 से लेके any r is equal to 2 pi eta l dv v से vr with a minus vr, यानी 2 pi eta l 2 pi eta l तो चलो कैंसिल हो गया, v by ln r2 by r1 into ln r by r1, ठीक है, is equal to v minus v, ये देखो मजाक, तो यानी v at any radius r is equal to v minus
या v into common law, तो one minus, है ना, तो one minus ln r by r1 upon ln into one common law, तो one minus ln r by r1 minus into ln ये हो गया the last year derivatives that is the velocity at any radius. देख लो ध्रुव आवेश के हम फोर्स किसी भी लिमिट से निकालेंगे तो सेम आएगा. एक्चुअली कहना देखो हम लोग जो ले रहे हैं पता क्या है, यह स्टेडी स्टेट. एक्चुअली ध्रुव ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो बाकी लोग भी सुनो. व्हाट ध्रुव इज आस्किंग इज दैट आप तो फोर्स जो मर्जी लिमिट पे ले लेते हो तो क्या सेम आएगा? द आंसर इज यस बिकॉज इट इज इन स्टेडी स्टेट. तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो आएगा हमेशा हमेशा. तो इसलिए कोई भी लिमिट्स के बीच में ले लो तो इन दैट केस जो है ना फोर्स एक तरफ का, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी डीआर, ये एक्चुअली एक तरफ का फोर्स या कह लो कि विस्कस फोर्स. तो अगर स्टेडी स्टेट में चीजें चल रहा है यानी विस्कस फोर्स के अलावा और भी फोर्स है, तो वो फोर्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. वो फोर्स कौन सा? जो मैं लगा रहा हूं. तो अगर मैं लगा रहा हूं सिलेंडर को पुश करने के लिए, तो सिलेंडर पे फोर्स एफ लग रहा है और विस्कस फोर्स भी एफ है, तो ये सारा चीजें जो है ना इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन है. तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट है, यानी बदल नहीं रहा है विद टाइम. तो यानी कोई भी यहाँ पे लिक्विड एक्सेलरेटिंग नहीं है, इसलिए जो मर्जी लिमिट्स पे लगा दो तो स्टेडी स्टेट में तुम जो है इक्वेशन इस तरीके का लिख सकते, ठीक है ना? That is what I have done. देख लो ठीक है. So it's a good question actually. I hope you got it down. चलो ठीक है, अब हम एक रिवीजन तो वो कर लेते हैं, रिंग टाइप के क्वेश्चन जो बनता है मतलब, ठीक है ना? और वो ये है कि सपोज एक रिंग है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और डायमीटर टू स्मॉल आर है, एंड दिस आर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू आर. नाउ इट इज रोटेटेड इन इट्स ओन रेडियस, तो रोटेटेड इन ओन रेडियस, ठीक है. इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ और इसका सिग्मा भी दिया हुआ, ठीक है. सिग्मा मतलब होता है इसका क्या बोलते हैं, पॉइज़न्स रेशियो, ठीक है. तो सिग्मा यंग्स मॉडुलस तो मालूम ही है, सिग्मा इज बेसिकली पॉइज़न्स रेशियो, ठीक है. तो क्वेश्चन इज फाइंड डेल्टा स्मॉल आर, इसके रेडियस में क्या चेंज आएगा अगर मान लो मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा. अच्छा, ओमेगा इज इन इट्स ओन प्लेन, व्हेन इट इज रोटेटेड ओमेगा इज इन इट्स ओन प्लेन. देखो ओके, नाउ शिवम हैज आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, सपोज द आउटर सिलेंडर इज इन फिक्स्ड एंड द इनर सिलेंडर इज पुश्ड. अच्छा हाँ बिल्कुल, शिवम व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज दैट कि मान लो एक काम करो, आउटर सिलेंडर में कुछ मत करो,
उसको रहने दो, उसको होल्ड मत करो। और मान लो इनर सिलेंडर को पकड़ के तुम ऐसे पुश करते रहो पुश करते रहो, सो दैट इट इज मूविंग सपोज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या होगा? द आंसर इज दैट इन दैट केस धीरे धीरे देखना क्या होगा, आउटर सिलेंडर पे फोर्स लगना शुरू होगा और एट स्टेडी स्टेट क्या होगा ना देखना, पूरा सिस्टम वही कांस्टेंट वेलोसिटी वी से जाएगा, यानी आउटर वाला भी वी से जाएगा और इनर वाला भी वी से जाएगा। अगर तुम सिर्फ इनर सिलेंडर को पुश करते करते कांस्टेंट वेलोसिटी वी मेंटेन करते हो तो पूरा सिस्टम में वी से चल रहा है। लेकिन इस बार हमने क्या किया था, हमने इस बार अंदर के सिलेंडर को पुश किया था लेकिन बाहर वाले सिलेंडर को फ्री मतलब क्या बोलते हैं फ्री नहीं सॉरी पकड़ कर रखा था। तो बाहर वाला सिलेंडर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हमने खुद रखा था, एंड दैट वाज द कंसीक्वेंस ऑफ, ठीक है ना? तो ये चीज है, इसलिए वो अलग चीज है। सत्य में दस क्या आइडियल क्या स्टेडी स्टेट इंफिनिटी पे आ रहा था? You are right. Actually, ideal आने में infinity time लग जाता है. So that's how it is, unfortunately. ठीक है ना? ये चीज़ है. That was Satyam's question. इसमें general assumption ये है कि the increments won't be very very large. अगर मान लो कोई metallic वेटेलिक लेते हो और अगर मान लो ओमेगा रखते हो, इन दैट केस द इंक्रीमेंट वोंट बी वेरी लार्ज, ठीक है ना? ये चीज है। चलो लेट मी स्टार्ट। पहली बात तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो निकालेंगे वही मेथड से, याद करके देखो वो जो एलिमेंटल मेथड से, ठीक है? यानी यही वाला, ये वाला तो अगर मान लो यहां पे डी थीटा है तो ये छिटक के जाना चाहता है बाहर की तरफ, तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना चाहिए। कौन दे रहा है? मैं अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाता हूं लेंस से, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है? देख लो अच्छे से, तो ये हो गया डी थीटा बाय टू और ये भी हो गया डी थीटा बाय टू। यानी ये जो एफ है इसका ये हो जाएगा एफ कॉस डी थीटा बाय टू और इधर भी हो जाएगा एफ कॉस डी थीटा बाय टू। तो इसके तो हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि टेंजेंशियली वैसे ही हो रहा है, और एफ साइन डी थीटा बाय टू इधर है ये दोनों, तो ये जो चीज बनेगा ना ये बनेगा एफ साइन डी थीटा बाय टू का डबल, यानी इक्वल टू एफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डी थीटा, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ये अंदर की तरफ का फोर्स आ रहा और ये बैलेंस यही हो रहा है एम ओवर एस स्क्वायर आर। तो अगर मास मान लो कुछ भी एम ले लो, ठीक है ना, तो एम ओवर एस स्क्वायर आर क्या हो जाएगा ना? पहली बात तो एम क्या है ना, दिस विल बी इक्वल टू एम, एम मतलब एम इंटू डी थीटा बाय पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये देखो ये आ गया एफ और इसी कारण क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो एफ कितना आ गया, तो डी थीटा तो कैंसिल हो गया, यानी एफ आ गया इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू पाई, ये एफ आ गया। अब यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। अच्छा स्ट्रेन कैसे आएगा ना, मान लो नया रेडियस हो गया आर प्लस डेल्टा, यानी इनिशियली आर था बाद में हो गया सपोज आर प्लस डेल्टा, तो डेल्टा एल क्या होगा, टू पाई इंटू डेल्टा, तो देयरफॉर एप्सिलॉन क्या होगा, टू पाई डेल्टा बाय टू पाई आर, यानी डेल्टा बाय आर। लेकिन ये क्या निकला है, ये निकला है डेल्टा आर बाय आर, ध्यान रखने से। तो इज गोइंग टू सिग्मा, सिग्मा होता है एफ बाय ए, ए बोलते क्या है पाई आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, तो फोर्स आ गया यानी समझ लो स्ट्रेस आ गया एफ बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना इस चीज का, ये आ गया सिग्मा, तो देयरफॉर sigma is equal to n omega square r by
टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सिग्मा आ गया, तो इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इन टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है डेल्टा आर बाई आर, तो देखो इससे क्या होगा डेल्टा आर बाई आर आ गया, तो देयरफॉर डेल्टा आर बाई आर विच इज द स्ट्रेन एक्चुअली वो आ गया कितना ना टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इन टू वाई बाई एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, ठीक है ये हो गया डेल्टा आर बाई आर। अक्षय से इसकी फोर्स के बाद वाला बटा बता दो ना, फोर्स अगर आ गया तो इधर किसके स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे ये वाला एरिया से डिवाइड करेंगे और इसका एरिया तो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर के हिसाब से पाई आर स्क्वायर, तो टू पाई स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो क्या स्ट्रेस, ये इस मटेरियल पे इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस डेवलप हो। स्ट्रेन क्या होगा ना, मान लो इनिशियल रेडियस कैपिटल आर था, बढ़ के हो गया आर प्लस कैपिटल आर डेल्टा, तो यानी टू पाई डेल्टा आर इज द डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ टू पाई कैपिटल आर, बाद में रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो गया, तो यानी बाद का लेंथ क्या होगा टू पाई ब्रैकेट में आर प्लस डेल्टा, तो डेल्टा एल क्या होगा टू पाई डेल्टा, और स्ट्रेन क्या होता है इनिशियल सॉरी चेंज इन लेंथ पे ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ पे टू पाई आर, तो इसको कैंसिल हो गया तो डेल्टा आर बाय आर आ गया। ये क्या है, ये आया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, तो इसलिए मैं काम करता हूं मैं लिख देता हूं इसको एज एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, मुझे ये लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहां पे एक लेटरल स्ट्रेन भी है, ठीक है ना। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं, तो ये जो आया वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा आर बाय आर यही वाला है ना, ये डेल्टा आर बाय आर वो तो आ गया ये वाला, लेकिन साथ में मुझे पता है कि सिग्मा यानी पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो के लिए हाँ यूज कर लिया, साथ में मुझे पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो। अच्छा बाय द वे इस बार का जो डेल्टा आर होगा ना कैपिटल आर वो पॉजिटिव होगा क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन पॉइजन रेशियो में क्या है माइनस ऑफ एप्सिलॉन लेटरल बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना वो चीज, तो देयरफॉर डेल्टा आर है तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर इनटू तो आर बाय डेल्टा कैपिटल आर, डेल्टा आर बाय डेल्टा स्मॉल आर बाय स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर बाय डेल्टा, या ठीक है ना, तो दैट इज सिग्मा और वो दिया हुआ सिग्मा दिया हुआ इधर, तो सिग्मा दिया हुआ पॉइजन रेशियो, यानी डेल्टा आर क्या होगा, सो देयरफॉर डेल्टा स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा डेल्टा आर बाय डेल्टा आर बाय आर इनटू स्मॉल आर, तो आ गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वन इनटू सिग्मा इनटू एक और आर भी है यानी आर क्यूब हो गया बेसिकली बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर वाला हो गया, ठीक है, सो दिस इज डेल्टा आर, देख लो अच्छे से, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर आर क्यूब वाई सिग्मा बाय एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, तो सत्यम व्हाट यू आर थिंकिंग इज दैट अब क्योंकि डेल्टा कैपिटल आर आ गया और वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का पार्ट है, तो उसी को यूज करके हम लेटरल यानी साइडवेज, तो साइडवेज बोलते कौन सा होगा ये वाला यानी डेल्टा आर का भी कैलकुलेशन सिग्मा यानी पॉइजन रेशियो से हम करेंगे, और क्योंकि रेडियस बढ़ रहा तो देयरफॉर उसका जो स्मॉलर होगा यानी थिकनेस का जो
वैल्यू होगा वो एक्चुअली घटेगा, इसलिए देखो सामने माइनस साइन है, डेल्टा डेल्टा है ना, तो फाइन डेल्टा था, ठीक है फाइन। चलो आई थिंक दैट्स इट, दैट और तो कुछ नहीं। ओके सो दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा इन दिस पर्टिकुलर केस, फाइन सर। हाँ सर आपने वो रेशियो उल्टा नहीं लिख दिया, रेशियो उल्टा लिख वाई, ये मतलब डेल्टा आर बाय आर वाला ऐसे है क्या? चलो एक बार दोबारा लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा कैपिटल आर बाय आर, वाई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन तो वही लिखा डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वाई होगा ना। अच्छा अच्छा हाँ मैंने तो उल्टा लिखा, हाँ मैंने उल्टा लिखा, ठीक है ना, ठीक है उल्टा लिखा। चलो अब तो मैं मिटा देता हूँ, फिर ये अपने आप कर लेना है ना, तो ये एक्चुअली एम ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर जाएगा और ये टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे है ना, ये डेल्टा, तो थोड़ा सा कर लो अपने अपने आप, ठीक है इसमें गलती है बट एनीवे आई थिंक नाउ दैट हैज बीन डिटेक्टेड, अब इसमें टाइम खराब नहीं करते, तो अपने आप इस स्टेप को ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ मैंने उल्टा लग दिया था तो लाइक वो ठीक कर लेना, ठीक है चलो। तो ठीक है, वैसे इस पे एक और क्वेश्चन भी बनता है एंड दैट इज जैसे एक, अगर कोई कोन है और यहां पे सब एक रिंग को रखा है विदाउट पॉजिटिव रेशियो, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कोन को किस एंगल वेलोसिटी से घुमा जाए सो दैट ये कोन से निकल के आ जाए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वो जो डेल्टा आर सॉल्व किया था ना इस केस में डेल्टा, उस डेल्टा आर को इस रेडियस और इस रेडियस के डिफरेंस के बराबर कर दें, सो देयरफॉर मोर क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व by using the concept that we had just discussed right now, theek hai na, aur bhi questions ban sakte hain banaye ja sakte hain but I think let's leave it there, theek hai chalo। So solids ke upar thoda sa ek cheez aur bhi ban jata hai, jaise maan lo thermal expansion ke sath bhi kuch questions ban jata hai, theek hai na, thermal expansion ke sath bhi kuch questions ban jata hai, jaise main ek simple sa question se start karta hu, लैग भी हो रहा है नेटवर्क, एंड दैट इज सपोज आई हैव अ स्फीयर, आई हैव अ स्फीयर जिसका डेंसिटी रो है, यंग्स मॉडुलस वाई है और अल्फा है, अल्फा इज एक्सपेंशन कोफिशिएंट, याद करके देखो अल्फा इज एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब सवाल ये है कि मुझे क्या प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आई टू फाइंड आउट द डेल्टा पी रिक्वायर्ड सो दैट नो चेंज इन वॉल्यूम हैपेंस, नो चेंज इन, तो चारों तरफ से लगाएंगे ऑब्वियसली, नो चेंज इन रेडियस हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ थीटा Yes. ठीक है, जब टेम्परेचर थीटा इंक्रीज किया जाए और इस पे कोई चेंज ना हो, ठीक है, तो क्या प्रेशर डाल, सॉरी यंग्स मॉडुलस नहीं इस बार, इसका बल्क मॉडुलस दिया हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक सॉलिड स्फीयर है,
नहीं सत्यम उसमें भी चलेगा, सत्यम उसमें भी चलेगा, बट सत्यम इज आस्किंग दैट कोड वाले क्वेश्चन में भी क्या यही कंसेप्ट यूज होगा? अभी हम जो टेंशन निकाल के लेकर ही बना देते हैं, वैसे तो कौन से निकालने वाले क्वेश्चन में ही नहीं कर पाएंगे। हाँ उसमें क्या होगा ना, जो रेडियस होगा वो फाइनल कर लेंगे, उस समय का स्टेटस लेंगे, समझ रहे, उस समय का स्टेटस लेंगे, बस ये डिफरेंस है। मतलब जो आर लिखा था ना मैंने इस क्वेश्चन में, वो आर नहीं होगा, वो बेस ऑफ द कोन का रेडियस होगा, बस इतना ही फर्क, बाकी कोई और असर दिक्कत नहीं। चलो एक आंसर आ चुका है, दैट इज 3 बीटा अल्फा थीटा। आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है देखो, कि हमें पता है कि डेल्टा वी या बल्क मॉडुलस को जो डेफिनेशन है वो है माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा वी अपॉन वी, है ना? तो इज इक्वल टू डेल्टा वी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना? तो ये चीज है, तो यानी हमें इतना ही प्रेशर देना पड़ेगा, ये चीज है, ठीक है? तो यानी डेल्टा पी हो जाएगा इक्वल टू, माइनस हटा देता हूं क्योंकि माइनस तो इज अ फॉर्मेलिटी फ्रॉम द टेक्निकल साइड, हम अगर से वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा इनटू डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी हम क्या लेंगे, है ना, ना डेल्टा वी हो जाएगा इक्वल टू 3 अल्फा, क्योंकि बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ना डेल्टा वी बाय वी, है ना? जैसे याद करके देखो कि डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा इनटू वी इनटू थीटा, है ना? तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा फिर, बीटा का जगह 3 अल्फा इनटू वी, तो वी है इनटू थीटा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो बीटा आ गया, और बीटा मतलब ये बल्क मॉडुलस वाला है, ठीक है ना? तो बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी व्हिच इज 3 अल्फा इनटू वी इनटू थीटा बाय वी कैंसिल 3 अल्फा वी इनटू थीटा। तो अगर इतना इंक्रीज करा दो प्रेशर, अगर इतना प्रेशर इंक्रीज कर दो तो दैट मींस क्या होगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना? फाइन, चलो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन तो अभी और डिस्कस नहीं करते हैं। दिस इज द पॉइज़न इक्वेशन, एंड इफ यू लुक एट द पॉइज़न इक्वेशन एंड कन्वर्ट इट लाइक दिस, तो ये जो फॉर्मूला बन गया ना, ये बन गया करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, बस वोल्टेज मतलब प्रेशर, वोल्टेज मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस, और ये हो गया पाइप रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देयरफॉर पॉइज़न इक्वेशन गिव्स मी अ वे टू ट्रीट अ कनेक्शन ऑफ पाइप्स एज सम काइंड ऑफ अ वाटर सर्किट इंस्टेड ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट, रेस्ट इज द सेम, ठीक है ना? ओके शिवम, दैट क्वेश्चन इज देयर नो डाउट, दैट इज between two walls if there are rods and all heated and all, we have to find the shift of the meeting point. कहो तो एक बार कर लेंगे discuss कल के question में, अरे कल के class में, ठीक है ना? But वो question देखना बड़ा standard question है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका standard तरीका भी होता है solve करने का, तो maybe we will just do it tomorrow, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। Okay, you were having something in that. Okay, fine. ठीक है। ओके रोहन आज की कुछ न्यूज सुन रहे थे कि प्रैक्टिकल होगा फर्स्ट वीक में। एक्चुअली ना अभी कोई स्कूल को कोई कंफर्म न्यूज आया नहीं, पहले स्कूल के पास न्यूज आ जाएंगे, तो अगर ऐसे कुछ होगा तो दैट केस ऑब्वियसली वी विल कॉल सम ऑफ योर बैचेस एंड डू सम प्रैक्टिकल्स हियर आल्सो, वो भी बड़ा लिमिटेड करेंगे जितना की हमें जरूरत है, क्योंकि इस साल कुछ भी कर लो बहुत ज्यादा यू नो फॉर्मेलिटीज पे हम जाएंगे नहीं, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड आल्सो, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, we will discuss that tomorrow, fine? Chalo, aaj ke liye itna. Thank you, sir. Thank you and welcome. Sir, kuch puch rahe ho? Sir, ek message kiya tha. Ek message kiya hai. Chalo, main check kar lunga, theek hai na? Abhi isko end karta hu main, theek hai? Okay. Excuse me. Haan bete. Practical nahi chahiye abhi file mein. Huh?
मैं भी नया लिखे प्रैक्टिकल सर। अभी कुछ मत करो, पहले नोटिफिकेशन आने दो, फिर मैं सोच रहा हूँ पता क्या, एक दिन स्कूल में बुला लेंगे और यहीं पे बैठ के सारा कुछ कर लेंगे, वो बेटर है। अब क्या घर में टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा है कि है ना यहीं पे बैठ के जो भी लिस्ट चाहिए होगा उसको शॉर्ट शॉर्ट में करके उसी दिन खत्म भी कर दो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोल, कुछ पूछ रहे हो? अरे एक बार कल वो एक आपने क्वेश्चन नहीं कराया था लास्ट डे, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑब्जेक्ट, वो क्लियरेंस हाइट वाले, एक बार वो करवा देना उसमें बल नॉलेज, मतलब इतना याद नहीं रहता, तो एक बार मुझे जस्ट मैसेज कर देना उसको। ओके सर, आपको मैसेज कर, ओके सर, मैसेज मैसेज कर, चलो ठीक, ओके।